हैं अपने टॉपिक की तरफ और जबरदस्त तरीके से करते हैं क्वेश्चंस। आइए चलो बताओ। ठीक है, और भैया जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप सभी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आप ये ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ के लिए, क्विजेस के लिए, डाउट सॉल्विंग, पोल्स और सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाती हैं, तो ज्वाइन हो जाना चाहिए आप। ठीक है, और आपके लिए देख रहे हो टेक्स्ट बुक लाया हुआ है सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग बहुत जबरदस्त फैकल्टीज, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप ऐप पे जाएं और वहां पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी इससे संबंधित, सुपर कोचिंग से संबंधित। ठीक है, बिल्कुल लव माइसल वजन नमस्कारम। ठीक है, आरती भट्ट, सुरेश, सभी का स्वागत है भैया। ठीक है, शिखा, चलो सभी का स्वागत है, जबरदस्त स्वागत है। ठीक है, आइए बिल्कुल सीयूईटी जनरल साइंस का सेट नंबर 31 आ जाए। ठीक है, बिल्कुल माया, श्रद्धा, गरिमा, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, सभी को मस्त रहो, मजे में रहो। सूरज, बिल्कुल सूरज मीन्स सालू। ठीक है, स्वागत है। 10 से अधिक लैंग्वेजेस में ये टेस्ट है, तो आपको ये देना चाहिए। ठीक है, सीयूईटी जनरल टेस्ट के लिए आप ये कोड यूज करके ज्वाइन हो जाना चाहिए। यूपीएससी सीएपीएफ के लिए भी आपको जुड़ना चाहिए, यूपी लेखपाल के लिए भी आपको यहाँ पे जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जय हिंद, जय हिंद शिखा। ठीक है, बताइए पहला क्वेश्चन ये कहता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मिनिमम इन, किसमें न्यूनतम आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में गैप होता है, या ऐसे कह लो एटम्स के बीच में किन में सबसे कम गैप है। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिए। बिल्कुल निशी, आरती, आरती सोच समझ के जवाब दीजिए बेटा। ठीक है, सोच समझ के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप लोग। भाई आपको पता है सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैसेस, ये तो पता होगा सभी को। देखो सभी एयर बता रहे हैं, मैंने क्या पूछा है। अच्छा कैसे जवाब देते हो बेटा, थोड़ा मुझे समझाओ एक मिनट, हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल जिनका जवाब फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल राज बेटा, गुड इवनिंग। और सभी लोगों को सेशन अच्छा लगे तो एक बार बेटा ये अंगूठा अपना मुझे दान दे देना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए समझते हैं, मैं कह रहा हूं भैया ये देखो सॉलिड है, सॉलिड में आपको पता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ही कम होते हैं, यहाँ पूछा मिनिमम ही तो पूछा है, तो किसमें हो जाएगा, बिल्कुल भैया गोल्ड हो जाएगा। बहुत ही कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया है पहली बार में। ठीक है, बिल्कुल ना, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब भैया हार्डेस्ट होगा। ठीक है, आइए दूसरी चीज है, अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में भाई थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, यही तो लिखा जाता है सॉलिड लिक्विड और फिर गैस, मतलब सबसे कम, या ऐसे कह लो मतलब सबसे कम क्या, मतलब जो गैप होता है, यहाँ लिख लो गैप सबसे ज्यादा लिख लो, अब क्लियर हो गया होगा। गैप सबसे ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स और या पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है माया बेटा, वो क्लासेस आज नहीं लगाई गई हैं, वो क्लासेस आपकी कल की लगाई गई हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन वहां देखेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको मिल जाएगी एंशियंट हिस्ट्री की। ठीक है, तो वो क्लासेस आपकी कल से लगाई गई हैं। ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से ये क्लासेस अभी तक सेट नहीं हो पाई। ठीक है, तो कल से ये आपकी रात 11 बजे यही क्लास चलेगी साइंस आपका, ये आज टॉपिक जो मैं चला रहा हूँ ये अभी लास्ट है। ठीक है, कल से आपको क्विक रिविजन वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चलो हाँ बिल्कुल, अब नेक्स्ट देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट, अच्छा हुआ सर नहीं लगाई गई, नहीं श्रद्धा बेटा कल से लगाई जाएगी, कल से 11 बजे लगाई जाएगी। इट इज डिफिकल्ट ऑफ किल वायरसेस बिकॉज दे, बताइए विषाणुओं को मारना मुश्किल है क्योंकि। चलिए वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक किया करो, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है बेटा, बताइए सभी लोग, बढ़िया बहुत अच्छे, चलिए सभी लोग भाई सेशन अच्छा नहीं लगता क्या बाबू, सेशन अच्छा नहीं लगता है क्या, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा बच्चे ज्यादा हैं, बट आइए। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आइए बिल्कुल भैया, क्योंकि क्या ये आपके जो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा समय कहाँ लगाते हैं, जो होस्ट सेल होता है
उसके अंदर, ठीक है, तो भैया स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इनसाइड द होस्ट से, ठीक है। श्रद्धा बेटा आज तुम मास्टर क्लास में नहीं दिखी मुझे, सूरज तुम भी नहीं दिखे, ठीक है, प्रेमजीत तो एक क्लास में आए थे, मुझे लगता थोड़ी देर के लिए आए थे, माया बेटा तुम तो बिल्कुल गायब हो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, निशी आज आप भी नहीं आई थी। इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS लोकेटेड? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूछा जा रहा है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी? बिल्कुल बेटा प्रेमजीत, इंदु सभी का स्वागत है, जबरदस्त, मस्त रहो, मजे में रहो, खुश रहो, बताइए सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत अच्छे। चलिए सर मेरा ऑफलाइन इसलिए हम नहीं आ पाए, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बेटा कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल सभी का आ रहा है तीसरा, अच्छा ठीक है, नहीं पता चलो और किसी का, चलो अच्छा कोई नहीं ठीक है। आइए बेटा इनर मेम्ब्रेन होता है, इंटर मेम्ब्रेन नहीं बच्चा, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आइए सर व्हाट्स योर नेम? अब यार साफ साफ लिखा था लेकिन ठीक है, मेरा नाम है भैया सुशांत पांडे, ठीक है, इसी नाम से टेलीग्राम भी है, सुशांत सर टेक्स्ट बुक नाम से, ठीक है। चल विच एमंग द फॉलोइंग टिश्यूज कैन बी फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट ऑफ अ प्लांट? निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा जड़ के सिरे और पौधे की टहनी पर पाया जाता है? बताइए वैस्कुलर, मेरिस्टमेटिक, ग्राउंड या नन ऑफ द अबव? अनीस बेटा तुम हो कहाँ, तुम्हारी कहानी तो यार खत्म लग रही है मुझे, तुम भैया पता नहीं किस कितने बरस के बाद आ जा रहे हो। चले ममता साहू बेटा कहाँ तेरे मामा साहू, बिल्कुल काफी दिन बाद आप भी आ रही हैं, ठीक है। मैंने आपसे शायद शुरू शुरू में बोला था रेगुलर क्लासेस करेगी तो फायदा 100% होगा, बट शायद आप वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। आइए देखो दो प्रकार की टिश्यूज होती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, पहला मेरिस्टमेटिक और दूसरा परमानेंट। इसमें आपको पता इंटरकैलरी, ठीक है, ये सारी चीज आपको पता है, लेटरल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये तीन टिश्यूज यहाँ होती है, ठीक है। अच्छा गांव गए थे, कोई नहीं बेटा। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज नॉट फॉल डाउन इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कम्प्लीटेड एंड रिमेन्स विजिबल इन द फूड्स ऑफ सम प्लांट्स? फूल का कौन सा भाग निषेचन पूरा होने के बाद भी नीचे नहीं गिरता, कुछ पौधों के फल में दिखाई देता है, बताइए। अच्छा ये भी है क्या बेटा, पता चलता है मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक बच्चे जवाब दे दिए, अब बताओ अगर मान लो मैं देखते देखते मैं दूसरे बच्चे का नाम पढ़ दिया तो फिर पहला बच्चा कहेगा कि सर आपने मेरा नाम नहीं पढ़ा, अब बताओ वह तो दिक्कत है। अनीस बेटा आप आए ही नहीं तो बताओ मैं क्या करूं, जब आप आए ही नहीं तो हम कहे भाई ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, खड़े रहेंगे, थोड़े जानते भाई बहुत मोटे तगड़े हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उठा खड़े रहेंगे थक जाएंगे ना, ठीक है। अनामिका ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी है, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये बाबू क्या होता है, ये होता है कार्पल, ठीक है, कार्पल। चल द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक सॉल्यूशन इज? अम्लीय विलयन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार क्या होता है? भाई आप लोग तो दुबले पतले हो, हम तो भाई बहुत मोटे तगड़े हैं ना। बताइए सभी लोग जवाब दीजिए, पेपर पास है, 10 दिन बचे हैं बेटा पेपर में, तो जितना तेज जवाब दोगे उतना तेज हम आगे कहेंगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या है 49 ग्राम प्रति मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Ca2O7,
K2Cr2O7, ठीक है। चलिए आइए, एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर, एक परमाणु ढेर का उपयोग किया जाता है, एटॉमिक पाइल का यूज किया जाता है। बताओ। अरे मल्ले बेटा तुम जिंदा हो क्या? बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ी खुशी हुई, मुझे तो लगा कि बेटा। चलिए बताइए, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग को देखते हैं ना कई दिन बाद, तो मतलब ऐसा लगता है कि चलो, मुझे कभी कभी लगता है कि यार बच्चे जिंदा हैं, ये तो बड़ी बात है। अरे यार अनीस बेटा आ जाना, ठीक है। अब बेटा कल से तुम्हें देखते हैं, कल बेटा आपका जनरल टेस्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये एकदम फाइनल है, ठीक है, आपका सारी चीजें कंप्लीट है, बन चुकी हैं, तो कल जनरल टेस्ट, और टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री। तो बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री एक बार रिवाइज करके आइएगा, रात में 11 बजे यहीं पे मैं आपसे मिलूंगा YT क्लासेस में, ठीक है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो क्या करता है सर? क्या बात है साक्षी, क्या बात है, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिजन, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। हम भी मिस करते हैं आपको बेटा, किसको मिस कर रहे हो? अच्छा मुझे, अच्छा अच्छा ठीक है, तब ठीक है। विच इज द कनेक्टिव लिंक ऑफ रेप्टाइल्स टू बर्ड्स, बताइए, सरीसृपों और पक्षियों की संयोजी कड़ी कौन सी है? बिल्कुल अंकित, JEE मेन IIT, बेटा आपका भी स्वागत है। श्रद्धा बेटा अब तुम्हें लग रहा फिर से मुझे बताना पड़ेगा, बाबू ये एंशियंट, मिडिवल, ठीक है, फिर आपका आना है मॉडर्न, फिर नेशनल मूवमेंट आना है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा, ठीक है, फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा। बेटा पेपर में ऐसा तो है नहीं ज्योग्राफी ही आएगा, सब आना है, ठीक है। आइए, तो सर ये कौन है? सर आर्कियोप्टेरिक्स आपके ये बीच के होते हैं, और आपसे एक छोटा क्वेश्चन जो पेपर में आता है, रेप्टाइल्स में आपके क्या होते हैं? सर जो कोष्टकों की संख्या होती है वो हृदय कोष्टक में 3 चैम्बर्ड होते हैं, वहीं पक्षियों में कितना होते हैं? सर 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 कोष्टक होते हैं हृदय में। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर स्किन हेल्दी, कौन सा विटामिन हमारे स्किन को हेल्दी रखता है? बताइए, सभी लोग बताते जाइए। चलो सभी लोग जवाब दीजिए, सभी के सभी लोग। चलो भाई देखो आपको निकालना है, जैसे किसने पूछा था, शालू ने पूछा था शायद, ठीक है, तुल्यांकी भाई बेटा जब भी निकालना है तो M/X कर दीजिए, वो निकल जाएगा, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत? और किसी कोई दिक्कत? जैसे Mn+7 में भी होता है, +6 में भी होता है, ठीक है, +7 क्या है, अपॉन वो क्या करता है, +6 बन जाता है, ठीक है। चलिए और सभी का जवाब आया, देखे थोड़ा सा भाई किसका किसका जवाब सही आ रहा है। सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, आपकी क्लासेस लगा लूं काफी रहेगा क्या? आरती बेटा मैं तो तब से यही कह रहा हूँ, आपको 31 क्लास हो चुकी है, और आपको पता है 31 क्लास में कम से कम आपको अगर पर क्लास में 30 क्वेश्चन भी कराया हूँ तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? आपके 930 क्वेश्चन हो गए, और बाकी एक्स्ट्रा मैं करीब आपके 1200 क्वेश्चन करा चुका हूँ अप्रोक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अच्छा सीरम, अच्छा हाँ देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ठीक है, विटामिन ए को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, इसको एक और नाम बोलते हैं एंटी स्टेराइड विटामिन, मतलब इसकी कमी से नपुंसकता होती है, ठीक है। तो विटामिन ई का बराबर सेवन करो बढ़िया, ठीक है, एकदम स्किन भी हेल्दी रहेगी, जो मुहासे होते हैं वो भी नहीं होंगे, ठीक है। विटामिन सी गलत है सर बेटा, विटामिन B12 माने होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है,
साइनोकोबालामिन। और साइनोकोबालामिन आपको पता है क्या करता है, जो मुंह में छाले वाले पड़ जाते हैं उसके लिए परनिशियस एनीमिया देता है ये, ठीक है। चलिए विटामिन ए को कहते हो क्या, रेटिनॉल कहते हो, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक कहते हो, विटामिन ए को क्या कहते हो, विटामिन ए को टोकोफेरॉल कहते हो, विटामिन ए को टोकोफेरॉल कहते हो, ठीक है। आइए, डैश इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोएगुलेशन, रक्त स्कंदन के लिए कौन सा आवश्यक है, गार्नियर क्रीम में सीरम है सर। भैया सीरम तो कई है, अब अगर देखोगे तो भैया लिवॉन का भी आता है, एक बियर्डो का भी आता है, और बहुत सारी कंपनियां है, किसका किसका हम आपको काउंट कराएं। अभी बड़ा लिवॉन का देखते हैं भाई, बड़ा इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। क्यों ज्यादा अच्छा होता है क्या, बताइए। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे सर, ये विटामिन के होता है, और आपको पता है मैंने आपको बताया था जब आपको रिएक्शन करने के बाद लास्ट में जब फाइब्रिन बचता है ना, तो यहाँ पे आपको कौन आता है, विटामिन के किसका काम करता है, आपके कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। भैया मैं तो नहीं करता, ठीक है, मेरा बाल तो ऐसे ही मस्त है एकदम, ठीक है। आइए, यह फाइब्रिन के साथ कौन जुड़ेगा, प्लेटलेट से जुड़ता है, ठीक है, प्लेटलेट से जुड़ता है फाइब्रिन के साथ, और विटामिन के जुड़कर क्या बनाता है, क्लॉट कराता है, ठीक है। आइए, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी थ्रू अ मीडियम कॉइल, किसी माध्यम से घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं, बताइए, किसी माध्यम से घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है, वेव ऑसिलेशन, वेव पीरियड, वेव फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड, लुक्स सही लगे रहे सर आपका। भैया हम तो बचपन से तो ऐसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, बचपन से तो बेटा मैं ऐसे ही हूँ, ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा निश, ठीक है। आइए, वेव पीरियड, ठीक है, वेव पीरियड भैया क्या होता है सर, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ डेंसिटी थ्रू अ मीडियम कॉर्ड, ठीक है, जितना समय लगता है वो वेव पीरियड कहलाता है। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बाइलेटरल सिमेट्री इन इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल मतलब क्या होता है, बायलेटरल मतलब होता है मान लो मैंने ये बॉल बना दी, समझिएगा मैं इसको काट दिया तो देखो बराबर बराबर बटा कि नहीं, बराबर बराबर बट गया। वहीं अगर रेडियल सिमेट्री की बात करोगे तो मान लो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, मैंने मान लो ऐसे बनाया, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल का मतलब है यहां से काटो तो ये देखो बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, ये होता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। चलिए, या इन सब के स्ट्रक्चर भी बना दो बेटा, आपको साथ आरती बेटा ये पता नहीं है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है, सीयूईटी के बैच कंप्लीट हो चुके हैं, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, ये आपको रिवीजन चल रहा है, और आपका 10 दिन बाद पेपर है, तो कृपया मेरी सलाह ये है जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट लेने था अब तक आपको ले लेना था, ठीक है। आइए, तो सर ये क्या हुआ, ये नेरिस हुआ, अच्छा नेरिस किस फाइलम का है कोई बता सकता है, नेरिस का फाइलम कोई बता दो, बताओ नेरिस का कोई फाइलम बता सकता है मुझे, ये सब पढ़ा चुके हैं जो मैंने याद है आपको पढ़ाया था, ठीक है, जैसे देखा होगा ना आपके भैंसों के ऊपर जो है बैठी रहती है, ठीक है, इसी में आपके कछुआ भी आएगा, ठीक है, बताइए। श्रद्धा पीठ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, पीसीएम है ना वो पढ़ती हूँ, अरे यार पीसीएम है ना तो कोई नहीं, आपको जो ये मेरे आप जाओगे ना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट की बस आप कंप्लीट एक बार क्लास देख लो, ठीक है, क्लास आप देख लो आपका काम हो जाएगा, साइंस के लिए फिर आपको सोचना ही नहीं है। अच्छा इकाइनोडर्मेटा में आएगा नेरिस, अच्छा बेटा प्रेमजीत बेटा ये भी नहीं पता, अरे याद होगा कुछ बताए थे ऐसा, भैया नेरिस के बारे में बताए होंगे समझाए होंगे,
सोच समझ के बताएगा, तीन उसके भाग बताया था, उसके तीन क्लासेस बताए थे मैंने, फिर से सोच समझ के बताइए, देखते हैं। ला अब बेटा चित्र तो नहीं बना पाएंगे भैया, अब बता दिए जब गाय, भैंस देखा, भैंस के पीठ पे बैठी रहती है, ठीक है, वो नेजिस होती है, अब बताइए कैसा। आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट लॉस इज प्राइमरली नॉट ड्यू टू कन्वेक्शन, निम्नलिखित में से किसमें उष्मा का हर्ष मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होता है, बताइए। भैया सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, अब लास्ट का टाइम बचा है, जितना मेहनत करना था कर लिए, अब अगर टॉपिक वाइज जब बता रहे तो अगर वो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया बिल्कुल प्रेमजीत बेटा सही है, ठीक है। अब कल आपका है एंशियंट हिस्ट्री, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ के आ जाइएगा, ठीक है, आप ही का भला हो जाएगा, बाकी आपके हाथ में, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे अगर हम बोले कि हीट लॉस नॉट ड्यू टू कन्वेक्शन, भाई जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ऑफ अ बल्ब ड्यू टू करेंट इन फिलामेंट, तो भाई जाहिर सी बात है बॉइलिंग वाटर में तो होगा, समुद्री और जो आपके लैंड ब्रिज एयर ब्रिज उसमें होगा, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एयर ब्लास्ट फर्नेस उसमें भी होता है, लेकिन भैया बल्ब वाले ग्लास में कोई नहीं होता, ठीक है। Which of the following characteristics is common to hydrogen, nitrogen, oxygen and carbon dioxide? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सामान्य है, बताइए। प्रेमजीत बेटा दो बच्चों ने तो बताया है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, एक का पेपर है कुछ उसने बता दिया, और कुछ लोग भैया देखो बहुत सही, कोई नहीं बेटा कहानी उनकी खत्म है, आइए ठीक है चलिए देखते हैं। चलो वो सब ये सोच रहा है ना कि बस सीयूटी का पेपर है क्लियर हो गया, तो बेटा बिना पढ़े नहीं क्लियर होगी कोई चीज। आइए, दे आर ऑल गैसेस एट रूम टेम्परेचर बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सभी गैसेस है रूम टेम्परेचर पे। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? ठीक है, dilute hydrochloric acid को क्या करो आप, add कर दो iron fillings में, तो क्या देखने को मिलेगा? अरे अभय क्या बात है भाई, बड़ा जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आ गए। चलिए बहुत अच्छे, बताइए। चलिए बहुत अच्छे भाई, देखो कभी भी पता है आपको मेटल्स है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही निकलेगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता रहेंगे तो आप कर ले जाओगे पेपर में भी। व्हाट इज द जेनेरिक नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा, विनेगर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डिटर्जेंट पाउडर। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मतलब CaSO4.5H2O, ये किसका फॉर्मूला है? बताइए, बिल्कुल सर ये किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, CaSO4, ठीक है, .2H2O, जिसे हम कहते हैं जिप्सम, ठीक है जिप्सम। भैया क्या फॉर्म भरने का भी कोई टाइम होता है क्या? अरे फॉर्म तो कभी भर सकते हो ना, CaSO4.5H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आपका POP। चलिए, व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट, श्वेत रक्त कोशिकाएं डैश कार्य करती हैं एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ मीडियम फॉर
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ठीक है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू ऑल ऑफ द अबव। बताइए चलिए बताइए बिल्कुल। चलिए भैया खातून जी स्वागत है। अरे एक सीफा करके आती थी भैया, सीफा कहाँ खत्म हो गई कहानी उनकी क्या। आइए व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता, पहली बात इसका नाम क्या है, इनका नाम है आपका ल्यूकोसाइट्स। यह आपके बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलो और ए ग्रेनुलो। टोटल अगर आप देखोगे तो पांच प्रकार के होते हैं ठीक है, बेसोफिल न्यूट्रोफिल इश्नोफिल मोनोसाइट लिम्फोसाइट ठीक है। चलिए तो आपको क्या कहते हैं, ये एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन ठीक है। चलिए आइए, अरे आज नहीं वो तो रोज ही गायब रहती है। इन इंडिया द यूज ऑफ एस्पर्टेम एलिटेम इज व्यूड विथ एप्रीहेंशन, दीज केमिकल आर यूज। अच्छा इसका यूज क्यों किया जाता है। बिल्कुल प्रतिभा आप भी काफी दिन बाद आ रही हो ठीक है, बढ़िया है। पढ़ाई बेटा रेगुलर कम से कम करो। चलिए बहुत अच्छे, चलो कल से तैयार रहना सभी लोग। हाँ तो ठीक है आरती बेटा, ये तो सभी टॉपिक से आएंगे ना ठीक है। बिल्कुल शाहिद जैद जी आइए। तो सर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा सर जीरो कैलोरीज होते हैं, सर जीरो कैलोरीज पाए जाते हैं इनमें, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ठीक है भाई। मतलब अब चलिए बता रहे, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव, बताइएगा। कल का टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री, उम्मीद है आपको बताए थे पहले भी, आप सभी तैयार करके बैठे होंगे टोटल ठीक है। सईद बेटा यही हमारे क्लास का टाइम ही है ठीक है, हमारी क्लास का टाइम ही यही है। प्रतिभा बेटा 3 दिन बहुत होते हैं, 3 दिन का मतलब 900 क्वेश्चन ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री की कल क्लास है तो बेटा 11 बजे पढ़ के आना ठीक है, बिल्कुल क्विक रिवीजन वाली क्लास चलेगी ठीक है। आइए तो सर अगर हम डेले एलन्स रूल देखें तो जो जो मैमल्स होते हैं फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स है भैया शॉर्टर ईयर्स होते हैं, कान छोटे और भैया क्या होते हैं लिम्स भी क्या होते हैं छोटे होते हैं ठीक है। अब बेटा क्लास की टाइम तुम्हें पता है ना, एक ही टाइम है मेरी। डैश इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, अपशिष्ट जल का एक प्रकार है, ब्लैक वाटर स्प्रिंग वाटर वेल वाटर प्यूरिफाइड वाटर। बताइए सर्कल 10 बजे की क्लास का टॉपिक है बेटा, 11 बजे बाबू YT पे होता है ठीक है, YouTube पे होता है तो कल आ जाना। सुबह 10 बजे का टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कल का टॉपिक है ठीक है, ये आपके मास्टर क्लास का ठीक है। तो ऐप पे ये क्लास होती है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल। तो सर ये क्या है, काला जल वेस्ट वाटर, तो भैया इसी को माना जाता है जान ही रहो ठीक है। आइए अ फ्यूज वायर फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कनेक्शंस सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी अप टू 15 एम्पियर मैक्सिमम इज मेड ऑफ, 15 एम्पियर तक बिजली की आपूर्ति करने वाले घरेलू बिजली के कनेक्शनों के लिए फ्यूज तार, बेसिकली पूछना चाह रहा कि फ्यूज तार किसका बना होता है। अरे नहीं है तो काला पानी मान लो ना, उसमें कौन दिक्कत है। हाँ बेटा अनामिका सिर्फ एक दिन और बर्दाश्त कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक को, उसके बाद तो फिर आपके दिन ही अच्छे हैं, फिर इतिहास आएगा, फिर भूगोल आएगा, फिर राज्य व्यवस्था आएगी,
कितना अच्छा लगेगा। BTS बेटा ये क्या है? आइए बिल्कुल। तो अच्छा, कुछ लोग बताए हैं। अच्छा बेटा, मतलब चौथा बता रहे भैया, कितने कलाकार लोग हैं। ठीक है, मतलब क्या है ये, मतलब हम समझ नहीं पाए बेटा। सब मिला के पूछा था कि फ्यूज वायर किसका बना होता है, तो भैया लेड और टीन का बनता है, हम तो ये जानते हैं। और पूछ दिया 15 एम्पियर तक का, तो भैया बता सकते थे लेड और टीन, लेकिन कॉपर पूरा पूरा मानने की कहां से दिमाग में आई तुम्हारे। आइए, विच ऑफ द फोर लेवल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल प्रोड्यूसेस द स्प्राउट्स, भोजन नली के चार स्तरों में से कौन सा अंकुर पैदा करता है, बताओ भैया। सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा मसल्स। अच्छा ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया बेटा राज। अच्छा तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया भाई। 5 को मेरी क्लास है, 7 को है, ठीक है ये मैं जानता हूँ। और शायद नहीं, 9 या 10 या 12 में है, ठीक है। हाँ तो ये फिर ठीक है, TTS होगा फिर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल है, ठीक है, सिर्फ कल का मैनेज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद 7 तारीख को एंशियंट हिस्ट्री होगा आपके मास्टर क्लास में, ठीक है। जाओ, जो यहाँ क्वेश्चन आपके सर वही तो कुछ भी 100% कॉपर ठीक अच्छे से जाता है तो फ्यूज कैसे सकता है। अब बेटा बच्चे यहाँ पे एक प्रो लेवल के है ना, जान रहे हो ना तुम, ठीक है। बिल्कुल सर, ये म्यूकोसा होता है, ठीक है बच्चे, बेटा प्रो लेवल के। ईयर कॉकल डिजीज इन वीट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। गेहूं में ईयर कॉकल रोग इसमें से किसके कारण होता है, अच्छा 12 में ऐसे ही क्लास चलती थी, ओके बहुत अच्छे। चलिए बिल्कुल सर, क्या है सर ये आपका एंगुइना ट्रिटिकी, किसके कारण सर एंगुइना ट्रिटिकी। तो ये भैया बीमारियों का नाम भी याद कर लो, गेहूं मतलब जो आपके प्लांट्स डिजीज हैं वो सेलेक्टेड है, उसको याद कर लीजिए, बड़ा काम देगा। या फिर मैं काम करता हूँ ना, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा कुछ डिजीजेस का नाम है। अब बेटा उसमें ये मत कहने लगना कि सर हिंदी में भेज दिए, इंग्लिश में भेज दिए, जो भेजेंगे चुपचाप पढ़ लेना, ठीक है, कोई नहीं आरती कोई नहीं। जर्मन, ये आपके क्लास 10th तक की बात में पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10th तक का क्वेश्चन है ये। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, देखो यही कलाकारी है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर जर्मन सिल्वर है तो एक ऑप्शन तो उसमें से हो ही नहीं सकता कभी भी। चलिए उसको बेटा भाई आप ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है बाबू। चलिए बिल्कुल, तो देखो पहली बात तो जर्मन सिल्वर में कभी भी सिल्वर नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट लो। अब आपको पता है 3 चीज होती है, कॉपर, जिंक और निकिल होती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सर थाई में भेज दे, आई कैन अंडरस्टैंड थाई लैंग्वेज, ठीक है बेटा तुम्हें हम थाई नहीं, तुम्हें दूसरे भाषा में आज भेजेंगे, घबराओ मत, गूगल ट्रांसलेट करके भेजेंगे, उसके बाद फिर तुम मुझे बताना कि समझ में आया क्या, ठीक है। इन विच सीजन डज आवर बॉडी नीड्स मोर फैट, किस मौसम में हमारे शरीर को अत्यधिक वसा की आवश्यकता होती है। चलिए आइए, तो डज ऑफ बॉडी नीड मोर फैट, तो भैया आपको पता है किस समय, सर जाड़ों में अधिक वसा की आवश्यकता होती है, तभी देखते हो जाड़ों में शरीर एकदम मोटी हो जाती है, ठीक है। चलिए क्या हुआ, आइए
केमिकल फॉर्मूला ऑफ डैश इज सी। बहुत अच्छा यार, किसका फॉर्मूला बताना, रासायनिक सूत्र सी होता है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब। बाकी लोग तो भी देख रहे होंगे कि क्या जवाब दिया जाए। तो कल आपकी क्लासेस जो होंगी, अगर आप फिर कल गायब हुए तो फिर वो क्लासेस में कंटिन्यू नहीं करवाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर वो क्लासेस आप नहीं किए तो फिर वो क्लासेस आपको मैं कंटिन्यू नहीं करवाऊंगा, ठीक है। इसीलिए कल आपकी क्लासेस में लेके आ रहा हूँ कि पेपर के टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तुम कल जरूर करिएगा क्लास, वो आपके लिए फायदा है। जो आपका 60 क्वेश्चन बहुत होता है, 60 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन में मान के चलिए जनरल टेस्ट का जो पोर्शन होगा वो कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन तो लेकर आएगा, तो 30 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है। आइए, बिल्कुल, बहुत अच्छी आरती, बहुत अच्छे, ठीक है। विच आउट ऑफ दीज इज द मोस्ट मैलिएबल मैटर, इनमें से कौन सा सबसे अधिक लचीली धातु है। वो सोच बताइएगा, मेलिएबल है सबसे ज्यादा, बताइए। चलिए, तो भैया वो आपका गोल्ड है। भैया मरकरी कौन दे रहा बाबू? बिल्कुल, इसके लिए देखिए मरकरी क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। ब्रोमीन, ये ऐसा मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन को पूछा जाता है, ठीक है। नॉन मेटल है जो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये दो चीजें याद रखिएगा। आइए, अच्छा, मरकरी से एक बीमारी भी होती है, क्या नाम है उसका, मिनी माता। मिनी माता डिजीज इसी से होती है, ठीक है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज द फंक्शनल यूनिट इन अ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, बताइए कौन सा इनमें से स्ट्रक्चर जो है आपका फंक्शनल यूनिट होता है किसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छे। राहुल निबोरिया मोटिवेशनल लाइफ, एडमिट कार्ड का कब बताएंगे बेटा, एडमिट कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा, काहे घबरा लो। एडमिट कार्ड वैसे भी आपको, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, मैंने आपको 7 के आसपास बताया था, ठीक है, तो 7-8 तक मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। कुंडिका जिसे कहते हैं सिस्टर्निया। आइए, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल, दो क्रमागत संपीड़नों या विरलन द्वारा एक निश्चित बिंदु को पार करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, पिच, वेवलेंथ, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। तो बेटा बढ़िया तो है, 15 से जाओ पेपर दो, जो पढ़ाई किए हो अब पेपर में उसको जो है निखारने का जो है, भैया आपको पता है उसको क्या कहेंगे, भैया दो कम दो क्या है, देखो इधर दो चीजें पहली बार, ठीक है, और इधर दो चीजें। अच्छा ये क्या था सर, इधर था क्रेस्ट एंड ट्रॉफ था, इसको कहते क्या है अगर सर दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच में, तो टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या था भाई, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी का एकदम उल्टा ही तो था भैया, फ्रीक्वेंसी का एकदम उल्टा क्या था, टाइम पीरियड, यही तो कहते थे टी इज इक्वल टू 1/f, ऐसे कह देते थे भैया। फ्रीक्वेंसी था कि 1 सेकेंड में कितना आवर्त हुआ, टाइम पीरियड क्या हुआ भैया, कितना आवर्त मतलब 1 आवर्त में कितना सेकेंड लगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम होगा, वो क्वेश्चंस पेपर हम मिल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा माया, क्योंकि जब पेपर होगा ना उसके बाद आंसर की आएगी तो पेपर भी आएगा, पता चल जाएगा, ठीक है, वो पता चल जाएगा, जब आंसर की आएगी ना तो पता चल जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, इनमें से कौन सा दोष उष्मा गतिकी दोष के रूप में जाना जाता है? अभी श्रद्धा आई थी वो भी गायब हो गए धीरे से, क्योंकि बेटा थक गई होंगी ना, पढ़ते पढ़ते बच्चे हैं थक जाते हैं। ये कैसी हंसी है, डरावनी। अभय की हंसी ऐसे ही है भैया, अभय इंसान थोड़ी ना है, वो महापुरुष है। आइए स्टियोकायमेट्रिक डिफेक्ट, वैसे ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपने पढ़ा होगा क्लास ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ में ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। चलिए आइए, कॉटन इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं बताइए। बिल्कुल सॉलिड स्टेट चैप्टर में बात ये है ना बेटा, उसका नाम है अभय केसरी। तो वो क्या है, उसका जो हंसने का स्टाइल है आप देखे होगे, जुबा केसरी का नाम सुने होगे, उसमें देखो जब हंसते हैं तो कितना खतरनाक लगते हैं, तो बस उसी से ये प्रेरित हैं, और ये अपना जो है हंसने वाला जो बहुत खतरनाक जो दांत दिखाते हैं वो उसी से ये प्रेरित हो चुके हैं। आइए ये क्या है भैया, ये आपका सेलुलोज है, ठीक है। ये क्या है आपका सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज किसमें आता है, ये आपके पॉलीसेकेराइड्स में आता है, ठीक है ठीक है। हाँ तो बस ये उसी से थोड़ा जो है प्रेरित हो गए हैं। आइए पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स विच आर, बताइए। चलिए पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर, चलिए बिल्कुल पॉलिस्टर एंड वूल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, पॉलिस्टर एंड वूल। देयर आर डैश बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, बेटा पूरा बता चुका हूं कितनी हड्डियां होती हैं, और दो भाग में, यहां मैंने बहुत प्यार से बताया था बोन्स के बारे में, यहाँ बहुत प्यार से बताया था सर एक्सियल होता है, यहाँ इतना प्यार से बताया था कि सर ये अपेंडिक्यूलर होता है, ठीक है। एक्सियल माने अक्षीय बताया था, अपेंडिक्यूलर माने उपांगीय बताया था, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपसे बता रखी थी, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ये बच्चे भी जानते हैं कि सर 206 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, और अगर हम बात करें 206 प्रकार नहीं 206 हड्डियाँ होती हैं, अगर हम बात करें आपके 80 अक्षीय में आता था, 126 उपांगीय में आता है, इसमें से आपके इसमें 60 हाथ 60 पैर और आपके 6 मेखला का नंबर होता है, ठीक है। चलिए नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, बताना है मानव शरीर का नॉर्मल ताप कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, सोच समझ के जवाब देना। अच्छा आज सच में बच्चे बहुत कम है ना, भैया सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। आइए बिल्कुल 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, जिसे आप 36.9 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, सी अपॉन फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9, ये फॉर्मूला होता है, तो इस पे आप रख के किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सर सी यू टी तो हो जाएगा, पर ये टेक्स्ट बुक से जो सीखे हैं जीएस और जनरल अवेयरनेस का, वो बहुत मल लगा के पढ़े हैं। बिल्कुल, अरे बिल्कुल बेटा मेहनत करो होगा बेटा, राज बेटा तू मजा ले लो, पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तू मजा ले लो आज, ठीक है बेटा। आइए
द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू, ठीक है भैया। तो नहीं, ये मजा लेने आए बेटा, ये मजा ले लो पहले बेटा, तुम बताइए क्या है। कृष्णा कुमार, अच्छा ठीक है बिल्कुल। देखो भैया इसमें क्या होता है, क्या होता है हाफिंग, ठीक है, हाफिंग ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। भाई जाहिर सी बात है 46 है तो 23 और 23 बनते हैं, ठीक है 46 है तो 23 और 23 का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप जानते हो 23 23 का निर्माण होके फिर आपको सारी सारी चीज जानी दो। आइए, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन स्किन, सिंपल क्वेश्चन है। नहीं बफरिंग नहीं हो रही है अनामिका, बफरिंग नहीं है भाई। बहुत अच्छे सभी का जवाब आ रहा है, चलिए आइए। इसे क्या कहते हैं भैया, इसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है इसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज हाइड्रोफोबिया अल्टीमेटली, बताना निम्नलिखित में से कौन सा अंततः हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है। बिल्कुल हाँ भैया 100% बिल्कुल भैया कृष्ण, बताइए बताइए सभी का आया। बहुत अच्छे सर, ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है एक विषाणु से ये होता है हाइड्रोफोबिया। बाबू देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है, इसको ही तो आप क्या कहते हो, इसको ही तो आप रैबीज कहते हो, इसको ही तो रैबीज कहते हो, तो रैबीज वायरस से ही तो होता है, ठीक है। देखे क्वेश्चन का तरीका ऐसे ही होता है, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज फिल्ड विथ अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज फिल्ड विथ सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड, एक कोशिका के नाभिक को अर्ध ठोस पदार्थ से भरा जाता है, ठीक है कोशिका के नाभिक मतलब आपके न्यूक्लियस ऑफ सेल, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्मा प्रोटो। बिल्कुल यहाँ पे बात किसकी हुई है, मतलब आपके न्यूक्लियस किसी सेल की, तो सोच समझ के बताइएगा भाई, सोच समझ के, ठीक है थोड़ा सा हिसाब से। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना बेटा, ठीक है अच्छा लगता है, पता चलता है कम से कम हाथ हो रहा है, ठीक है बिल्कुल। बेटा मैंने अभी क्या बोला, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या न्यूक्लियोप्लाज्म होगा कि साइटोप्लाज्म होगा, थोड़ा सा बताना, सोच समझ के बताना मुझे, ठीक है भैया। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा या साइटोप्लाज्म होता आपके दिमाग से, साइटोप्लाज्म तो बेटा सारी प्रक्रियाएं आपकी चलती है, कौन सी, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप ले जा रहे थे, या आप कोई भी प्रक्रिया चलाओगे जब आप ग्लूकोज को पायरूविक में तोड़ोगे तो साइटोप्लाज्म में ही होता है वो का, ठीक है। चलिए, इन एनिमल्स लाइक स्पंजेस एंड हाइड्रा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन इज डन बाय, बताइए स्पंज और हाइड्रा में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड एंड ऑक्सीजन का वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा बोथ ब्लड एंड प्लाज्मा, वाटर ऑनली या ब्लड ऑनली, बताइए। तो कल आप तैयार करके आओगे, ठीक है कल आप एंशियंट हिस्ट्री तैयार करके आओगे सेम टाइम, तो मेहनत से इसको करिएगा, ठीक है कल इसी को मेहनत से किया जाएगा, ठीक है पढ़ के आना, आपका काम है पढ़ के आना बिल्कुल। तो सर ये आपका क्या वाटर होता है, ठीक है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है कल हम लोग मिलेंगे बिल्कुल। ये टेलीग्राम चैनल है सुशांत सर टेस्ट बुक, सारी पीडीएफ क्विजेज डाउट सॉल्विंग, ठीक है पोल्स, ठीक है आपको कोई दिक्कत हो आप मैसेज भी डाल सकते हो, ठीक है टेस्ट बुक पास या 10 से अधिक लैंग्वेजेस में है तो आप ये दे सकते हैं, कोड यूज करके आप परचेज भी कर सकते हैं। CUET जनरल टेस्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, UPSC CAPF के लिए भी जुड़ सकते हैं, UP लेखपाल के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं हम लोग, पहले तो सुबह मिलेंगे 10 बजे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, ठीक है, मास्टर क्लास। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे आप जुड़ जाइए, ठीक है। और हम फिर मिलते हैं रात में 11 बजे आपकी YT क्लास पे यूट्यूब पे। टॉपिक आपका रहेगा एंशियंट हिस्ट्री, और कल से आपकी चीजें बैक टू बैक क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।